तीन तलाक की कुरीति ने हमारे देश की मुस्लिम बेटियों की जिंदगी को तबाह करके रखा हुआ है। लेकिन मैं मेरे देश की इन पीड़ित माताओं बहनों को, मेरी मुस्लिम बेटियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके न्याय के लिए, उनके हक के लिए करने में कुछ भी कमी नहीं रखूंगा और मैं आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करके रहूंगा। जो कहा वो किया। वैसे तो पीएम मोदी के इस मिशन की दुनिया गवाह है, लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो वायदे करते भी हैं और उन्हें पूरा करके भी दिखाते हैं। तीन तलाक जैसी बुराई से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था, उसे तमाम मुसीबतों के बावजूद विपक्ष के विरोध के चलते भी आखिरकार पूरा करके दिखा ही दिया। तो कैबिनेट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला करते हुए तीन तलाक के बारे में एक ऑर्डिनेंस आज अप्रूव कर दिया है। और हमारा स्पष्ट आरोप है कि सोनिया जी ऐसी वरिष्ठ महिला नेत्री होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ इतना बड़ा दमनकारी तीन तलाक चलता है और वो खामोश रहती है। जब मुस्लिम महिलाओं को इस बुराई से मुक्ति दिलाने वाले ट्रिपल तलाक के विरोध में पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया, तो अब मोदी सरकार इस बिल पर अध्यादेश ले आई है। यह अध्यादेश 6 महीनों तक लागू रहेगा। इस दौरान सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद से पास करवाएगी। अपने इस कदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल पूरे के पूरे विपक्ष को करारा जवाब दिया है, बल्कि कट्टरपंथी समाज को भी आईना दिखाया है। पीएम मोदी ने यह भी साबित कर दिया है कि वो महिलाओं के नेतृत्व में देश के विकास के पक्षधर हैं। आजादी के बाद से अब तक जो कोई ना कर सका, वो उन्होंने कर दिखाया। यही है पीएम मोदी का न्यू इंडिया।